हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम विनय पांडे। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट टू वीडियोस ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव लर्न्ड अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, एंड हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड 1x1। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टू वीडियोस में देखी थी डिटर्मिनेंट के। इसके साथ साथ वी हैव लर्न्ड अबाउट कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये सब हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में। दीज टू वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके लिंक से यू कैन वॉच दीज वीडियोस। इन द टुडेज लेक्चर we will discuss about how to expand a matrix of order 3x3. किसी 3x3 का अगर हमको determinant निकालना है, 3x3 की matrix का determinant निकालना है, तो how we can find this expansion, आज के वीडियो में हमारा ये मेन फोकस रहेगा। तो आपको माइनर और कोफैक्टर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे 3x3। अगर इसको एक्सपैंड करें हम, दिस इज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। This is the square matrix of order 3x3. If we have to find the determinant of this matrix, how can we find? इसको देखने के लिए आपको माइनर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 से ऊपर को जितने भी डिटर्मिनेंट्स आपको निकालने हैं, उसके लिए आपको पहले तो बेसिक ये याद रखना है कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एक पर्टिकुलर रो, किसी भी रो, ये R1 रो थी, ये R2 थी, ये R3 थी, किसी भी पर्टिकुलर रो और किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी भी, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप किसके रिस्पेक्ट में उसको एक्सपैंड कर रहे हो। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर आप उसको एक्सपैंड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसकी। अब कैसे हम इसको एक्सपैंड करें? तो एक्सपैंड करने का, इफ आई एक्सपैंड दिस मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू R1, अगर मैं R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करूं, तो इसका फॉर्मूला बनता है A11 इंटू कैपिटल A11। दिस कैपिटल A11 रिप्रेजेंट कोफैक्टर ऑफ A11। A11 इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, पहली रो, पहली कॉलम का पहला एलिमेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका हमने क्या ले लिया, कोफैक्टर ले लिया, प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A11 का फॉर्मूला था -1 की पावर 1+1 इंटू, इसके साथ माइनर आ गया था पर M11 प्लस A12 इंटू -1 की पावर 1+2 M12 A13 -1 की पावर 1+3 M13। A11 ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर है, ये नेगेटिव हो जाएगा, A12 M12 और ये फिर से पॉजिटिव, A13 इंटू M13। ये सब क्या है? माइनर्स हैं। माइनर्स कैसे निकालने मैंने आपको बताया था। तो ये आपका इस 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बन गया माइनर के टर्म्स में। अब इसी को इफ आई एक्सपेंड दिस मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम एक्सपेंड करें, तो क्या आएगा? A11 इंटू A11, A21, A31 इंटू A31, A11 इंटू -1 की पावर 1+1 M11, A21 -1 की पावर 2+1 इंटू M21,
ए 31 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू एम 31, तो ये तो फिर से पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा। ए 11 एम 11 माइनस ए 21 एम 21 ए 31 इंटू एम 31। तो देखिए जो पहला एक्सपेंशन मैंने किया था वो एक्सपेंशन किया हुआ है R1 के रिस्पेक्ट में, और जो सेकंड एक्सपेंशन किया हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है, C1 के रिस्पेक्ट में। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर सेम होगा। अब अगर मैं बात करूँ ये दो स्टेप्स हटा करके डायरेक्टली अगर हम ये फॉर्मूला बना लें तो कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने साइन कन्वेंशन लिख दी है यहाँ पे। जैसे हम अगर इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आ रहे हैं माइनस आ रहे हैं, प्लस आ रहा है प्लस माइनस प्लस। फिर अगर आप देखें तो इसमें ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहा है। अगर आप इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, इफ़ आई एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू C1, तो यहाँ प्लस है तो अगले वाले में माइनस आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या आ रहा होगा, प्लस आ रहा होगा अगर आप C1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अगर आप R2 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, उसके आगे जो रिस्पेक्टिव साइन है और उसके साथ साथ आप उसके माइनर लिखेंगे तो आपको कोफैक्टर्स की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे माइनर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको C2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस प्लस फिर से क्या आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी 3x3 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अगर बात करें एक न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, इस न्यूमेरिकल से आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे इसको एक्सपेंड करना है। अब मैं डायरेक्टली सीधे माइनर का यूज़ करके निकालूंगा इसको। तो क्वेश्चन इज 1, 2, 3, फर्स्ट रो सेकंड रो इज -4, 3, 6, -4, 3, 6 एंड द थर्ड रो इज 2, -7, 6। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड इसको कर देता हूँ और एक C1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। दोनों से हम देखते हैं कि हमको जो आंसर मिलेगा क्या वो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको इससे पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। R1 के रिस्पेक्ट में अगर हम सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया कि ये प्लस का आता है, ये माइनस का है और ये प्लस का साइन है। क्यों? क्योंकि वो कोफैक्टर में जो है वो माइनर और कोफैक्टर में ये डिफरेंस था कि माइनर में हम रिस्पेक्टिव साइन नहीं ले रहे थे और कोफैक्टर में हम साइन भी ले रहे थे। पिछले वीडियोज में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ मैं। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनर कैसे निकालते थे, ये कॉलम और ये रो छोड़ करके 3, 6, -7, 6 2 के आगे माइनस का साइन, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे -4, 2, 6 और 6 3 के रिस्पेक्ट में -4, 2, 3 एंड -7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे 21 माइनस कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 42 -2, -24 और ये -12 हो गया प्लस 3 28 -6। तो इसको ऐड करेंगे 63 -2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 36 3 22 63 प्लस 72 प्लस 66 211 आ रहा है। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 201 आ रहा है। तो ये तो आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है, वो है R1 के रिस्पेक्ट में। अगर C1 के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे देखिए आप साइन प्लस का, यहाँ माइनस का और ये प्लस का साइन लेना पड़ेगा। तो प्लस 1 के साथ 3, 6, -7, 6 इसके साथ माइनस माइनस 4 ये और ये छोड़ देंगे 2, 3, -7, 6 और प्लस 2, 2, 3, 3, 6 इसको सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 42 ये तो ये आ जाएगा 63 माइनस 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 प्लस 12 प्लस हो जाएगा 21 प्लस 2
इसीलिए मैंने आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट पहले वीडियो में बता दिया था कैसे आपको एक्सपेंड करना है, तो उसका 2x2 का तो हम डायरेक्टली पहले के वीडियो से ही कर रहे हैं। तो 4, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3, 33 प्लस 2 इंटू 3, 63, 132 और 6, 138, 201। देखिए आप दोनों से जो रिजल्टेंट हमारा आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। आप इसके अलावा इसको R2 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करके देखिए, साइन उसी तरीके से आपको लेने हैं, C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देखिए और देखिएगा कि आपको आंसर उसमें भी 201 मिल रहा होगा। अगर आप C3 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो प्लस माइनस और प्लस लेना पड़ेगा आपको। एक इसी तरीके का क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए कि 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है आपको कैसे उसको एक्सपेंड करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस सी साइन बी कॉस सी। सेकेंड रो इज साइन बी माइनस साइन बी 0 tan a, थर्ड इज cos a प्लस बी माइनस tan a एंड 0। देखो कंडीशन क्या दी है आपको कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स a b एंड c इज पाई, इट मींस 180 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी 0 टेन ए कॉस ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस टेन ए एंड 0। साइन पाई कितना होता है 0, माइनस साइन बी और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। साइन बी 0 माइनस टेन ए कॉस सी टेन ए एंड 0। अब मैं इसको एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। बस आपको यहाँ से साइन के रिस्पेक्ट में आपको आगे चलना है। कॉस सी, कॉस में ये और कॉलम और ये रो छूट जाएगी तो क्या आएगा, माइनस साइन बी माइनस कॉस सी 0 माइनस टेन ए, फिर माइनस टेन ए ये और ये छूट जाएगा 0 माइनस कॉस सी साइन बी माइनस टेन ए और लास्ट है 0। और 0 के रिस्पेक्ट में अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेते तो आप, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपसे आपको 0 से करना है तो आपको रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन 0 ही मिलेगा उसका, तो मैं डायरेक्टली थर्ड वाले को 0 लिख दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें इन दोनों का सॉल्यूशन अब कैसे करना है हमको, कॉस सी इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, साइन बी टेन ए माइनस इसको इससे करेंगे तो 0 आ जाना है, माइनस टेन ए ये 0 हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस सी साइन बी। आप देखिए दोनों सेम आ रहे हैं और लेकिन अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया आपका 0। इसी क्वेश्चन को आप जैसे मैंने C3 के रिस्पेक्ट में किया तो आप R2 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करके देखिएगा और आपको क्या आंसर मिल रहा है उसको देखिएगा। तो 3x3 के डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया है। आप 3x3 के डिटर्मिनेंट के अलग अलग एक्सपेंशन से जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा।